नमस्कार, जय माता कामाख्या, हर हर महादेव। तो हमारे जितने भी ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, हमारी कुंडली में कभी कभी ऐसी कुछ खराब स्थिति में आ जाते हैं जिसके वजह से हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है। और ये जो ग्रह नक्षत्र जो खराब पोजिशन में होते हैं ना, वो यूं ही नहीं होते हैं, वो हमारे ही पूर्व जन्म के या फिर इसी जन्म के कर्मों के वजह से ही एक खराब पोजीशन में आ जाता है, जिसके वजह से हमें डेली लाइफ में कुछ समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से शेयर करने वाली हूँ, जिसके द्वारा आप खुद ब खुद एनालाइज यानी समझ पाएंगे कि आपके जो ग्रह है, कौन से ग्रह खराब है, और उस ग्रह को ठीक करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आता है एक नंबर में सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह खराब होने के लक्षण क्या क्या होता है आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रह जब खराब होता है तब हड्डियां कमजोर हो जाता है, दांत की समस्या, इम्यूनिटी खराब होता है, और इम्यूनिटी खराब होने की वजह से कुछ ना कुछ बीमारी जो है वो हमेशा लगा रहता है। साथ ही सूर्य जो है, सूर्य हमारे पिता को दर्शाता है, और जब सूर्य ग्रह खराब होता है तब हमारे पिता के साथ हमारे जो संबंध है यानी रिलेशन है वो खराब होता है या फिर खराब होने लगता है। साथ ही जिसका सूर्य ग्रह खराब होता है ना, उसका हार्ट का बीमारी यानी दिल की बीमारी और आंखों की बीमारी लगी रहती है। साथ ही जब सूर्य ग्रह खराब होता है तब हमारी इच्छा शक्ति जो है, इच्छा शक्ति कम होने लगता है धीरे धीरे। साथ ही सूर्य ग्रह कमजोर होने से हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास भी घटने लगता है। सभी कामों में असफल होना ये तो तय होता है जब सूर्य ग्रह हमारे खराब होते हैं तब, क्योंकि जैसे सूर्य ग्रह सभी चीजों को ऊर्जा देती है, उसी तरह सूर्य ग्रह का भी हमारे जीवन में खास महत्व होता है। और जब सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है तब हमारे जीवन में वो ऊर्जा नहीं रहती है। तो ये लक्षण होते हैं कुछ सूर्य ग्रह खराब होने के। तो सूर्य ग्रह जब हमें लगता है कि हमारे खराब हो चुके हैं, तब हम कैसे इसे मजबूत कर सकते हैं, कुछ उपायों के बारे में आइए आपको बताती हूँ। लेकिन उपाय जो है वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रह जो होते हैं वो होते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति यानी गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु नवग्रह होते हैं। तो इन नवग्रहों के जो खराब होने के लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, उसके उपाय भी बताऊंगी। लेकिन अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो पार्ट बाय पार्ट बताऊंगी। जैसे कि इस वीडियो में सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह के खराब होने के लक्षण और उसको कैसे हम ठीक करेंगे उसके उपाय के विषय में बात करेंगे। बाकी तीन तीन करके तीन हिस्सों में बांट दूंगी, क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए अभी जानते हैं कि जब हमारे सूर्य ग्रह हमें लगता है कि कमजोर हो चुका है तब हमें क्या क्या करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देना तो सभी जानते हैं, तो सूर्य को अर्घ हमेशा दे यानी रोज सुबह दे, और सुबह जल्दी उठ के देने की कोशिश करें सूर्य को अर्घ। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे उठ रहे हो 10 बजे सूर्य को अर्घ देंगे, 9 बजे देंगे, ऐसा नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप सूर्य को अर्घ जरूर दें। और संडे के दिन यानी रविवार के दिन, रविवार यानी सूर्य, इसीलिए रविवार के दिन एक लोटे में पानी भर के उस लोटे में थोड़ा सा गुड़ मिला दीजिए, और हो सके तो गंगा जल का यूज कीजिए स्पेशली संडे के दिन, और उसी जल से सूर्य को अर्घ दीजिए। साथ ही जब हमारे सूर्य खराब होते हैं तब मैंने बताया जैसे कि हमारे पिता के साथ हमारे संबंध थोड़ा खराब होने लगता है या फिर खराब हो जाता है, तब क्या करना होता है, हमारे पिता के साथ हमारे संबंध को अच्छा बनाने की हमें कोशिश करना चाहिए। साथ ही पिता और पिता तुल्य लोगों की सम्मान करना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अब ऐसे में बहुत लोग कहेंगे कि जब पिता भेदभाव करते हैं या फिर माता भेदभाव करते हैं तब हम पिता माता के सम्मान कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जब कोई कोई हमें कहते हैं या फिर हमने देखा भी है खुद कि माता पिता खुद ही अपने जो संतान होते हैं उनके साथ भेदभाव रखते हैं। लेकिन इस अवस्था में क्या करना चाहिए आपको, वो सब बातें भूल के
अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। और आपको पता होता है कि मेरा जो सूर्य ग्रह है वो खराब हो चुका है और मेरे पिता के साथ मुझे संबंध अच्छे करने चाहिए, जिसके वजह से मेरा जो सूर्य है वो मजबूत होगा और बाद में मुझे ही फायदा देगा। इसलिए भेदभाव वो सब अगर करते हैं आपके पिता तो वो भूल जाइए और पिता का सम्मान जरूर कीजिए, उससे आपका ही फायदा होगा। लेकिन अगर किसी के पिता नहीं है या फिर पिता दूर रहते हैं तो उस चीज में बात अलग होता है। तब हम क्या क्या कर सकते हैं आइए जानते हैं। तब ऐसी अवस्था में या फिर यूं भी आप कर सकते हो, अगर सूर्य आपका कमजोर है, आपको लगता है लक्षण जान के, तब हमें क्या करना है, तब हमें एक तांबे के बर्तन में रात भर पानी रखना है अपने सिरहाने, ठीक है। फिर जब सुबह होगा अगले दिन आपको उसी पानी का सेवन हमें करना है, जितना बार हो सके उतना बार, उससे भी हमारे सूर्य जो है वो मजबूत होता है। और साथ ही किसी भी रविवार यानी संडे को गुड़, तांबा, गेहूं अपने सामर्थ्य अनुसार मंदिर में हमें दान जरूर करना चाहिए। साथ ही गुड़ से बना हुआ खीर, दलिया का भोग हमें विष्णु जी को जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि विष्णु जी का एक रूप जो है वो सूर्य भी है, जिसे हम सूर्य नारायण कहते हैं। तो इसलिए गुड़ से बना हुआ जो भोग होता है वो हमें विष्णु जी को समर्पित करना चाहिए, उससे भी हमारे सूर्य मजबूत होते हैं। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी हमें करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र जो है वो आपको आसानी से इंटरनेट में मिल जाएगा, और ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ये खास करके सूर्य नारायण जी को स्तुति करने के लिए किया जाता है, जिससे हमारे सूर्य ग्रह मजबूत होंगे। रविवार के दिन अगर हम उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रख सकते हैं, अगर हम अपने सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो। तो अभी चलते हैं दूसरे ग्रह पर। दूसरा ग्रह यहाँ पे है चंद्रमा। चंद्रमा का संपर्क जो है वो डायरेक्टली हमारे माता से होता है, साथ ही हमारे मन से भी होता है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्रमा कमजोर होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। जब हमारी चंद्रमा कमजोर होता है तब हमारी एकाग्रता जो है वो कम होने लगती है, नींद नहीं आती है, विभिन्न समस्याओं को हम सोच सोच के स्वयं ही अपने मन को भ्रमित कर देते हैं, विचलित कर देते हैं, भावनाओं में बहकर हम गलत फैसले लेते हैं। जब हमारा चंद्रमा कमजोर होता है तब, चंद्रमा जब कमजोर होता है तब एस्थमा, सर्दी, जुखाम आदि बीमारियां भी हमेशा लगी रहती है। महसूस कर पाने की क्षमता जो है यानी फीलिंग्स जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वो फीलिंग्स हमारे कम हो जाता है, क्योंकि जब चंद्रमा खराब हो जाता है तब मन में डायरेक्टली हमारे असर करता है, क्योंकि चंद्रमा है ही मन का कारक। मन में तरह तरह की शंका और भय आदि का भाव आता है हमारे मन में जब हमारे चंद्र ग्रह कमजोर होते हैं। जब हमारा जो चंद्रमा खराब होता है तब बिना वजह मन में कुछ ना कुछ दुख का अनुभव होता है। सब कुछ है हमारे पास लेकिन कुछ कमी जैसी है, ऐसा कुछ लगता रहता है। साथ ही जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तब हमारी बुद्धि जो है वो काम नहीं करने लगती, क्योंकि मन जो है वो विचलित रहता है हमेशा। इसलिए दिमाग और दिल में जो है वो हमेशा एक भ्रम में रहता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, सही डिसीजन लेने में हमें तकलीफ आने लगती है। तो चंद्रमा जब खराब होता है तब हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी माता से होता है। तो जब हमें लगता है कि हमारा जो चंद्रमा है वो खराब है तब हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी माँ के साथ हमारा जो रिलेशन है, संपर्क है, उसे ठीक करना होता है। और अगर किसी की माँ दूर है तो वो अलग बात है, आप फोन भी कर सकते हो, उनके उनसे बात भी कर सकते हो। तो सेकेंड जो उपाय है वो क्या है, किसी भी सोमवार के दिन अपने माता की पैरों की धूल को लेकर अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, उससे भी हमारे चंद्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है। लेकिन जैसे कि सूर्य के उपाय में मैंने बताया था कि अगर किसी के पिता नहीं है या फिर पिता दूर है, उनसे संपर्क ठीक नहीं है, तब वो बात अलग है। तब हम क्या कर सकते हैं कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे दूध के साथ दही को मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, और शिवलिंग पर हमें चांदी से बना हुआ चंद्रमा अर्पित करना चाहिए, इससे भी हमारा जो चंद्रमा है वो मजबूत होता है। सोमवार को सफेद चीजें जैसे चावल,
चीनी, जनेऊ, दूध, सफेद वस्त्र आदि का दान हमें करना चाहिए। साथ ही पानी या फिर दूध को रात के सोने के समय अपने सिरहाने रख के उस दूध को सुबह कीकड़ के पेड़ के जल में चढ़ा देना चाहिए। और कीकड़ का पेड़ क्या होता है ये आप गूगल करके देख लीजिए, इमेज आपको मिल जाएगा कि कीकड़ का पेड़ क्या होता है। साथ ही शिवलिंग पर प्रतिदिन गंगा जल अर्पित करने से भी हमारे चंद्र ग्रह मजबूत होता है। और ये जो उपाय है आप तब तक कर सकते हो जब तक कि आपको लगता है कि हमारा चंद्रमा ठीक हो चुका है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए जो चांदी का चंद्रमा मैंने बोला था शिवलिंग पर अर्पण करने के लिए, वो आप एक बार भी कर सकते हो या फिर आपके अगर सामर्थ्य है तो किसी भी तीन सोमवार को ये आप कर सकते हो। साथ ही पंचामृत की सेवन से भी हमारा चंद्रमा जो है वो मजबूत होता है। पंचामृत यानी दूध, दही, चीनी, घी और मधु, साथ ही थोड़ा गंगा जल आप मिला लीजिए और उससे पंचामृत बना के रोज उसका सेवन करने से भी हमारा जो मन है वो शांत होता है, क्योंकि उससे धीरे धीरे हमारा चंद्र ग्रह जो है वो मजबूत होने लगता है। और पंचामृत के सेवन से हेल्थ बेनिफिट्स भी होता है, साथ ही पंचामृत का सेवन करने से नींद भी अच्छा आता है। तो चलिए अभी चलते हैं तीसरे ग्रह पर। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमेशा क्रूर ग्रह ही माना जाता है। तो मंगल ग्रह खराब होने के क्या क्या लक्षण होता है चलिए बताती हूँ। मंगल ग्रह खराब होने पर संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, व्यक्ति को रक्त से खून से जुड़ी हुई बीमारियां आने लगती है। मंगल ग्रह जब कमजोर होता है तब वो व्यक्ति किसी मुकदमे में फंसता है, उस व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है, बहुत ज्यादा क्रोध आने लगता है उस व्यक्ति को, इतना क्रोध कि वो व्यक्ति कभी कभी हिंसक रूप भी धारण कर सकता है क्योंकि मंगल है ही क्रूर ग्रह। विवाह तथा वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न होता है और भाइयों से हमेशा विवाद रहता है क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो हमारे भाई को दर्शाता है। तो चलिए मंगल ग्रह अगर कमजोर होता है तो उसके उपाय हमें क्या क्या करना चाहिए। तो जब हमें पता चलता है कि हमारे मंगल ग्रह खराब हो चुका है या कमजोर हो चुका है तब हमें अपने भाइयों से हमारा रिलेशन ठीक करना पड़ता है, तब हमारा जो मंगल ग्रह है वो मजबूत होने लगता है। साथ ही मंगलवार के दिन हर तीन महीने के अंतराल में रक्तदान करना चाहिए क्योंकि मंगल और रक्त का सीधा संपर्क होता है और ऐसा करने से मंगल ग्रह जो है मजबूत होता है। कहीं पर अगर लंगर लगता है आपको पता चलता है तब मंगल को सुधारने के लिए, मंगल ग्रह को सुधारने के लिए लोहे से बनी हुई चीजें जैसे चाकू, छुरी, लोहे से बनी हुई कड़ाही इत्यादि का दान करने से भी मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान चालीसा का पाठ तो सभी करते हैं, या फिर नहीं करते हो तो फिर मंगल ग्रह अगर कमजोर हुआ है आपका ऐसा आपको लगता है लक्षण जान के तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, वो भी रोज। और ये एक बहुत ही सटीक उपाय होता है मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए। साथ ही मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए चार मंगलवार कंटिन्यूअसली चार मंगलवार हनुमान जी के मंदिर पे जाके हनुमान जी को मीठा पान अवश्य अर्पण करना है। और ये आप एक मीठा पान करो, दो मीठा पान करो, तीन मीठा पान करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मीठा पान हनुमान जी को चढ़ाना चाहते हो। तो ये जितने भी रेमेडीज मैंने आपको बताया सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह के विषय में, ये बहुत ही सरल उपाय है। इन उपायों को करके भी हम अपने ग्रह को सुधार सकते हैं। और बाकी के जितने ग्रह भी बच गए हैं वो आने वाले एपिसोड्स में मैं आपके लिए वीडियो के आकार पे लेके आऊंगी। तो इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।